तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भी बयान सामने आया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिनसे अपने परिवार विधायक पार्टी ना संभले और दूसरों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि जिनके अपने जिलों में दो विधायक छोड़कर चले गए, अपने परिवार ना संभले, अपने विधायक ना समझे, अपनी पार्टी ना संभले और ठीकरा दूसरे पर डाले, जिनके अपने जिले में एक नहीं दो दो विधायक छोड़कर चले गए, उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? आखिरकार ऐसा क्या घटा कि ये घटनाक्रम हुआ? आखिर ऐसा क्या दर्द था जो बार बार रोज अखबारों में दिखता था? इनके विधायक खुलकर अपनी सरकार के खिलाफ बोलते थे, एक नहीं कई विधायक बोलते थे, क्या वो भी भाजपा करवा रही थी? आप आज के दिन में देखिए क्या क्या होता है, आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। सर, कुछ कांग्रेस के एमपी ने कहा कि सुक्खू को चेंज करें, उसके बाद वो कांग्रेस से बात करेंगे। देखिए, कांग्रेस के विधायक अगर अपने मुख्यमंत्री को बदलना चाहते हैं तो उनके अपनी पार्टी की बात है। सच्चाई ये है कि हिमाचल की जनता निराश और त्रस्त मात्र 14 महीने में हो गई, क्योंकि कांग्रेस के झूठे वादे आज फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस बिखरी हुई नजर आ रही है, कांग्रेस टूटी हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?